हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में पावर आईएसओ का सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस सॉफ्टवेयर को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। तो इस वीडियो में मैं पूरी प्रोसेस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपके गूगल क्रोम पर जाना है। आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पर। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है पावर आईएसओ फ्री डाउनलोड। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन आ रहा होगा सर्च में, डाउनलोड पावर आईएसओ। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो इसकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसका जो डाउनलोड का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक 32 बिट वाला है और एक 64 बिट वाला है। तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 32 बिट पे काम कर रहा है तो आप 32 बिट वाला डाउनलोड करिएगा, और 64 बिट वाला अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप 64 बिट वाला जो है डाउनलोड करिएगा। तो मैं अभी 64 बिट वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। ये सिर्फ 5 MB का सॉफ्टवेयर है। ये जैसे कि यहाँ पर मैंने डाउनलोड पे अभी क्लिक किया था और ये डाउनलोड हो भी चुका है। सिर्फ 5 MB का ये सॉफ्टवेयर रहता है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। आपको अगर इसे इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पर आप यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर आई एग्री करना पड़ेगा, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अभी भी अगर ऑन रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, तो वो आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने को कहता है यहाँ पर। अगर आपको आवाज़ का फ्री एंटीवायरस डाउनलोड करना है तो आप नेक्स्ट कर दीजिए। अगर आपको नहीं करना है, आपको नहीं डाउनलोड करना है और नहीं इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में, तो यहाँ से आपको चेक मार्क हटाना होगा। यहाँ पे जैसे कि अभी चेक मार्क लगा था, मैंने इसे हटा दिया है। उसके बाद में आप नेक्स्ट करिए। यहाँ पर आवाज़ फ्री एंटीवायरस की जगह पे कोई सा भी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन वो दे सकता है, तो आप यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है तो। उसके बाद में यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में जैसे कि अभी तो सब पर चेक मार्क लगा हुआ है, लेकिन बेसिकली क्या रहता है कि सिर्फ इन दो पर चेक मार्क लगा हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है कि सिलेक्ट ऑल करना है और उसके बाद में यहाँ से आपको क्लोज करना है। अभी यहाँ पर थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग पावर आईएसओ का बताएगा, तो अब हम इसे कट कर देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमारा पावर आईएसओ आ गया है, तो मैं इसे ओपन करके बता देता हूँ। अब आपको अगर कभी भी कुछ इसमें काम करना है, कुछ भी आपको अगर इसमें इसको चलाना है, तो आप इसे हमेशा राइट क्लिक करके रन एस एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करिए। मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला अकाउंट है हमारा, उससे आपको इसे ओपन करना है। ऑप्शन आता है यहाँ पर, आपको कर देना है कंटिन्यू अनरजिस्टर्ड। मतलब कि आप रजिस्टर्ड नहीं है अभी, तो आपको कंटिन्यू अनरजिस्टर्ड कर देना है। अगर आपके पास कोई कोड है इसका रजिस्ट्रेशन का, तो आप यहाँ से इंटर कोड भी कर सकते हैं। तो अभी मैं कंटिन्यू अनरजिस्टर्ड कर देता हूँ। तो इस तरह से आप पावर आईएसओ को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। इसके जो फीचर्स है, इसका जो काम है, इसका जो भी मतलब वर्क होता है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को भी अच्छे से देखिए, आप डाउनलोड कीजिए, और अगली जो वीडियो आने वाली है मेरी इसके ऊपर, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। इसका जो डाउनलोड लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं पावर आईएसओ को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।